जिन स्टेट्स में भाजपा की सरकारें नहीं है वो राज्य रो रहे हैं कि हमको बराबर से फंड्स नहीं मिल रहे और हमारे ऊपर जो गवर्नर बैठे हैं वो गवर्नर से ज्यादा हमारे ऊपर एक दबाव लाने के लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के मन में ये डर पहले भी था, जब उन्होंने 1940 में वो किताब लिखी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का बनना भारत के लिए एक बहुत बड़ी शोकांतिका होगी क्योंकि इससे हिंदू राज बनने की संभावना शुरू हो जाएगी। भाजपा और आरएसएस की विडंबना ये है कि एक तरफ से तो वो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ से वो संविधान के सामने नतमस्तक होने का नाटक भी करते हैं। प्रधानमंत्री राजा की तरह ही बिहेव कर रहे हैं ना, भारत सरकार की गारंटी नहीं है, बीजेपी की गारंटी नहीं है, सारी गारंटी मोदी की है, ये मामला है। देश में लोकसभा चुनाव के 7 चरण में से 1 चरण का मतदान हो चुका है और मुझे लगता है कि इस चुनाव में पहली बात है कि संविधान और लोकशाही लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। आरएसएस के बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है और संविधान बदलकर क्या लागू होगा वो मनुष्य पर भी लागू ये चाहिए। विपक्ष ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, राहुल गांधी अपनी हर सभा में कह रहे हैं ये संविधान देश का बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लालू यादव ने कहा कि जो संविधान बदलने की कोशिश करेगा बाबा साहब का संविधान है, जनता उसकी आंख निकाल देगी। प्रधानमंत्री को लगातार स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर भी आ जाए बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। अमित शाह भी कह रहे हैं कि संविधान कोई नहीं बदल सकता, आरक्षण खत्म नहीं होगा। आखिर ओपोजिशन ने अपने पिच पर उनको लेकर आ रहे, लेकिन विडंबना ये है कि अनंत हेगड़े से लेकर मधु मिश्रा और अयोध्या के जो सांसद है वो लल्लू सिंह या लल्लू नाम है उनका, वो लगातार कह रहे हैं कि 400 सीट अगर पार करेंगे तो संविधान बदले। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं विवेक देव रॉय, उन्होंने एक पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा था कि अब संविधान को सुधार की नहीं बदलने की जरूरत। प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर बैकफुट पर है, आरएसएस चीफ का अभी कोई बयान हमने देखा नहीं। तो अब पिच पे जो है मामला संविधान लोकतंत्र का है, संविधान बचा देश बचा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचा संविधान बचेगा, संविधान बचा लोकतंत्र बनेगा। तो राहुल गांधी ने आज अमरोहा में भी कहा, अमरोहा की सभा में कहा कि आरएसएस देश का संविधान बदलना चाहता है, बीजेपी देश का संविधान बदलना चाहता है और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत के संविधान को बदल दे। मामला यहाँ पे फंसा है, संविधान लोकतंत्र बनाम राजशाही और मनुस्मृति। ऐसे भी प्रधानमंत्री राजा की तरह ही बिहेव कर रहे हैं ना, भारत सरकार की गारंटी नहीं है, बीजेपी की गारंटी नहीं है, सारी गारंटी मोदी की है, ये मामला है। इसी विषय पर चर्चा करने वाला दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस पे किताबें उनकी लगातार लिखते रहते हैं, सेकुलर मिजाज पे लगातार लिखते रहते हैं। क्या है प्रधानमंत्री के वक्तव्य के मायने कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते हैं? जब संसद में आए थे संसद के सीढ़ियों पर माथा टेका था उन्होंने, पता लगा कि संसद भवन ही बदल दिया, संविधान पे ही माथा टेक रहे हैं, इसके क्या मायने लगाए जाए ये सब समझने की कोशिश है। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद जी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है तो मैं इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि दे दूं कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ये आरएसएस नाम के बड़े संगठन का एक पुत्र संगठन है का मोटे तौर पे कहा जाए तो कि तो मैं ये कह रहा था कि जो भाजपा मोदी अमित शाह ये भाजपा के भाग हैं पर भाजपा आरएसएस नाम के संगठन का एक पुत्र संगठन है और इन लोगों ने कभी भी संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट नहीं की, दिखावे के लिए की है, चुनावी मामलों के लिए की है, पर जहां तक जो कहते हैं कि इनको वास्तव में मानना, उसका मैं थोड़ा आपको पृष्ठभूमि बता दूं कि जब संविधान बन रहा था तो उस समय जो हिंदू राष्ट्रवादी थे, हिंदू राष्ट्रवादियों ने कहा हमें नए संविधान की क्या जरूरत है, हमारे पास तो इतना प्राचीन और इतना अच्छा संविधान है मनुस्मृति के रूप में,
तो वो उसकी कोई जरूरत नहीं। और सावरकर जो इनके बहुत बड़े पूज्य हैं, उन्होंने भी कहा था मनुस्मृति आज का संविधान है, ये उनका वाक्य है, जरा नोट कर लीजिएगा। फिर खैर संविधान रिलीज हुआ तो उसके 3 दिन बाद आरएसएस के अनऑफिशियल माउथपीस, उनका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें उन्होंने लिखा कि ये संविधान में जो भारतीय मूल के मूल्य हैं, जो प्राचीन मूल्य हैं, जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा विषय है, उसका तो कोई उल्लेख नहीं है, तो ये संविधान कैसा संविधान है। तो उनका मतलब था कि इसमें मनुस्मृति का उल्लेख नहीं है, तो ये संविधान एक मानने लायक नहीं है। एक बात अब दूसरा आपको याद दिला दूं कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तीसरी बार आई थी वो, तो उन्होंने काम किया था संविधान के रिव्यू के लिए, वेंकट चलैया कमीशन बनाया था। और वेंकट चलैया कमीशन बना तब उस समय लोगों में इतना आक्रोश था, गुस्सा था कि हम आप संविधान को बदलने की बात कैसे कर रहे हैं। तो वेंकट चलैया कमीशन की रिपोर्ट आई, पर जो लोगों का गुस्सा था, आक्रोश था, विरोध था, उसके चलते वो रिपोर्ट को एक हाशिए में, रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। अब ये यहाँ की पुरानी बात। अब पिछले 10 साल में देख रहा हूँ ये जो अनंत हेगड़े हैं, इन्होंने एक बार पहले भी बयान दिया था कि हम सत्ता में इसी के लिए नहीं आए कि हमको यहाँ राज करना है, हमको तो संविधान बदलना है, यही फिर से उन्होंने दोहराया। अब ये बात जो हमने मन की, ये बात कर रहे हैं मन की बात यहाँ वो कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ से चुनाव है, चुनाव में दलित, ओबीसी, आदिवासी, महिला, मजदूर समाज के ये जो तबके हैं, इन्हें पता है कि इनकी इनकी अस्मिता, इनकी डिग्निटी, इनके अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जबकि ये संविधान हो। तो भाजपा और आरएसएस की विडंबना ये है कि एक तरफ से तो वो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ से वो संविधान के सामने नतमस्तक होने का नाटक भी करते हैं। दो हो गया। और तीसरा, ये व्यवस्था के चलते वो चोरी छिपे इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में संविधान के मूल्यों का पूरा पूरा उल्लंघन भी करते हैं बिना कहे। तो तीनों चीजें देखिए, एक तरफ संविधान के सामने मस्तक झुकाना, दूसरी तरफ मन में ये इच्छा रखना कि संविधान को बदलना है, तीसरी तरफ लोगों में चुनावी मामले के लिए ये कहना कि हम संविधान को मानते हैं, और चौथी तरफ सत्ता में रह के संविधान के मूल्यों का पूरा पूरा उल्लंघन करना जो हम पूरे 10 सालों में, पिछले 10 सालों में देख रहे हैं। तो अब ये लोग, जब राहुल गांधी और दूसरे नेताओं ने इस बात को स्पष्ट रूप से उठाया अनंत हेगड़े के इसके जवाब में, तो उन्हें अभी तो चुनाव चल रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया में उन्हें लोगों को इम्प्रेशन देना है कि हम संविधान के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये उनकी कोई मंशा नहीं है, ये एक प्रोजेक्शन है, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने की एक प्रक्रिया है कि हम संविधान के रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसीलिए मोदी जी को बयान देना पड़ रहा है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आए तो संविधान नहीं बदलेंगे। इसमें एक मैं मजाक की बात कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्यों बदलेंगे, उन्होंने तो संविधान बनाया था, बदलने वाला कौन है? गोलवल को उन्होंने कहना था गोलवलकर भी आए तो संविधान नहीं बदल सकते, तो वो कुछ बात होती क्योंकि गोलवलकर ने हमेशा संविधान का विरोध किया था। तो ये एक विडंबना की स्थिति उनके लिए है कि संविधान का दिखाना कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं और करते समय उसके मूल्यों का पूरी तौर से उल्लंघन करना, और अगली बार चुनाव में खुदा ना खास्ता, मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव में जीत कर आने वाले हैं, पर एम्बिशन रखते हैं कि अगर हम 400 के पार हो गए तो हम ये संविधान को ही बदल रहेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, खुलेआम हम मनुस्मृति के मूल्यों का प्रचार करेंगे और समाज को उस आधार पर ले चलेंगे। बाबा साहब ने संविधान सभा के डिबेट कुछ भाषण हमने पढ़े और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने आशंका उस समय जाहिर कर दी थी कि अगर प्रचंड बहुमत हो तो इसी संविधान का इस्तेमाल करके तानाशाही स्थापित इस देश में हो सकता है, डेमोक्रेसी इस देश के लिए नहीं लग सकती है क्योंकि लंबे समय तक इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रही। बाबा साहब के सामने एक उदाहरण हिटलर का था कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन और कैसे एक तानाशाह बन गया, तो क्या वो ध्यान में इनको था कि भारत के समाज में ये संभावना हो सकती है, ये आदमी संविधान का नाम तो लेगा लेकिन काम करेगा संविधान के ठीक उलट। जी जी देखिए, इसमें थोड़ा समय और आपको पीछे ले चलता हूँ।
बाबा साहब अम्बेडकर के मन में ये डर पहले भी था, जब उन्होंने 1940 में वो किताब लिखी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें ये कहा कि पाकिस्तान का बनना भारत के लिए एक बहुत बड़ी शोकांतिका होगी, क्योंकि इससे हिंदू राज बनने की संभावना शुरू हो जाएगी। हल कीजिए, यानी पाकिस्तान के बनने से ही उन्हें डर लग गया या हिंदू राष्ट्र के बनने की संभावना है, ये पहली बात। और दूसरा, जैसे आपने बिल्कुल सही तरीके से उनको उद्धृत किया है कि आखिर में संविधान क्या है, ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है, पर उसको लागू करने वाले लोग कौन है? अगर लागू करने वाले लोगों के मन में उस प्रकार के विचार नहीं है, अंदरूनी वो श्रद्धा नहीं है, तो अलग अलग तरीके से वो उसका वायलेशन, उसका उल्लंघन करेंगे। और जो हमने पिछले 10 सालों में देखा, संविधान तो है पर संविधान के चलते हुए बिना इमरजेंसी को डिक्लेयर किए हुए उन्होंने इमरजेंसी ले आई। इमरजेंसी, जैसे लाल कृष्ण अडवाणी ने खुद कहा कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, ये लाल कृष्ण अडवाणी ने पिछले 10 सालों के में सबसे पहले बयान उन्होंने ही दिया। और आखिर में जो लोग लगाए, जैसे आप देखिए हमारा कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम में क्या है, प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के बीच में पहला मंत्री होता है, उनके ऊपर नहीं होता। जो नेहरू के समय हमने देखा, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने अपने काम करते थे, एक दूसरे की आलोचना करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, और जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर में आपस में बहस होती थी, आलोचना होती थी, बिल्कुल। और देखिए, आलोचना के बगैर कोई समाज आगे जा नहीं सकता। जहाँ आप श्रद्धा की बात करेंगे कि भाई ये मेरे नेता हैं, इनको मैं आंख मूंद कर फॉलो करूंगा, वो समाज एक रुके हुए तालाब की तरह गंदा हो जाएगा। और जहाँ एक दूसरे की आलोचना होती है, तो उसमें से आप एक अच्छा रास्ता स्वस्थ तरीके से निकाल सकते हैं। अभी आलोचना की कोई जगह नहीं है, आलोचना किया तो आप एंटी नेशनल है। और मंत्रिमंडल में भी देखिए रतनलाल जी, कि कितने मंत्रियों के नाम लोग जानते हैं, लोग एक ही नाम पे जानते हैं। अब और तो और अभी मैनिफेस्टो निकला है, तो वो भी भाजपा का मैनिफेस्टो नहीं है, वो मोदी की गारंटी है। तो इससे बड़ा तो उल्लंघन हमारे संविधान का हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति के नाम पर पूरा शासन चले, प्रशासन चले, एक ही व्यक्ति फैसला करे कि अब नोटबंदी 6 घंटे के अंदर हो जाएगी, एक ही व्यक्ति फैसला करे कि रात को कोविड में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, एक ही मंत्री जाकर एक धर्मगुरु का भी काम करे और प्राण प्रतिष्ठा भी करे। तो ये बात तो बड़ा एक अनयूजुअल सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन। और उसमें मेरे ख्याल से बाबा साहब ने इसकी थोड़ी आहट पाकिस्तान के बनने के साथ देख ली। और दूसरी, हम देख रहे हैं कि संविधान है अपनी जगह पर, उसको कुछ नहीं किया गया, पर उसके नियमों को पूरे पूरे विपरीत चलकर समाज में नफरत फैलाई जा रही है। अब देखिए, नफरत फैलाना एक अपराध है, पर हमारे समाज में जिस प्रकार से नफरत फैलाई गई है, और नफरत बढ़ी है इमरजेंसी और आज की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में क्या फर्क है? इमरजेंसी में जो 18 महीने के लिए थी, नफरत नहीं फैलाई गई। अभी नफरत फैलाना इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग हो गया है, और ये हमारे संविधान के अनुरूप नहीं। कितनी चीजें हो रही है जो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर को देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या कहता है, कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और आज जिन स्टेट्स में भाजपा की सरकारें नहीं है, वो राज्य रो रहे हैं कि हमको बराबर से फंड्स नहीं मिल रहे, और हमारे ऊपर जो गवर्नर बैठे हैं वो गवर्नर से ज्यादा हमारे ऊपर एक दबाव लाने के लोग हैं। हम बिल भेजते हैं तो 3-4 साल वो बिल पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये सब मेरे ख्याल से आज भी जो हो रहा है वो तो संविधान के मूल्यों के काफी विरोध में हो रहा है, पर खैर संविधान है अपनी जगह पे। एक दो सवाल और मेरे हैं जो जिस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। मैंने बहुत गौर से प्रधानमंत्री का भाषण सुना है, वो कहते हैं संविधान में हमारी आस्था है, आस्था तो धार्मिक ग्रंथों में होती है, ये कहते हैं कि दृढ़ विश्वास है, तो शब्दों की बाजीगरी भी प्रधानमंत्री बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं कि आस्था और दृढ़ विश्वास दोनों में फर्क है। तो क्या जैसे धर्म की चाशनी में आस्था होता है, तो वो धर्म की चाशनी उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये सभी चीजों में धर्म की चाशनी डालते हैं, और ये संविधान का मामला जहां तक है उसको भी ये धर्म की चाशनी में लपेट कर, जब भी आस्था का मामला आता है तो आप सवाल नहीं उठा सकते, आप चर्चा नहीं कर सकते, तो फिर जो उनकी आस्था के अनुसार करेंगे उसको वो देश पर लाद देंगे।
तो ये भी आपने बिल्कुल सही पहचाना कि भाषा का भी अपना एक खेल होता है, और ये भाषा का भी ये प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। अब पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर जाकर आप नतमस्तक हो रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, और वही पार्लियामेंट के अंदर आप कम से कम आते हैं। पहले प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट चलती थी तो प्रधानमंत्री अंदर बैठ के सुनते थे लोगों की बात, यह है ये तो जब इनको सुनाना होता है तभी आते हैं, बाकी समय पार्लियामेंट में भी नहीं आते। ये पार्लियामेंट और संविधान दोनों की बात देखिए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग तो बदली एक बात है, पर पार्लियामेंट में इनकी उपस्थिति कितनी रहती है, वो एमपीज अपनी बात करते हैं वो उसको कितना सुनते हैं, और एमपीज जो है वो देश की जनता की आवाज है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। कोई डिबेट में जब जवाब देना होगा, किसी बात के लिए आना होगा, उसके सिवा वो पार्लियामेंट में भी नहीं आते। संविधान को भी वही ट्रीटमेंट करते हैं, आस्था का मामला है, पार्लियामेंट भी इनके लिए आस्था का मामला है, और वो काम चलाऊ काम निकालना अपने एजेंडा को लागू करना ये उनके लिए यही चीजें महत्वपूर्ण। सर एक सवाल है कि लगातार प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब भी संविधान नहीं बदल सकते और संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन कई नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संसद मार्ग पर संविधान की प्रतियां जलाई गई, लेकिन कार्रवाई तो इन पे कुछ नहीं हो रही, नेता चुनाव भी लड़, तो ये क्या ये जनता को क्या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें दो चीजें हैं मेरे ख्याल से। एक तो जब कोई कहता है कि हमको भारतीय संविधान बदलना है और उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता मतलब आप इस प्रकार की आवाजों को बल दे रहे हैं, इम्पुनिटी दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ठीक है भाई इसने कहा है, ये हमारे इसकी बात है, इस पर हम इसका इसको कंडेम नहीं करेंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे, इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, ऐसे ही हुआ। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि भाई इसकी प्रतियां जलाई गई और दूसरी चीज हुई, तो जो भी प्रधानमंत्री या शासन इसमें वास्तविक में विश्वास करेगा तो वो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा, पार्टी से निष्कासन किया जाए 2-3 साल के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन हो, कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमको संविधान बदलना है, उनको तो संविधान के रास्ते पर चलना है, संविधान तो हमारी आधारशिला है, देश की अगर आधारशिला आज है तो भारतीय संविधान है, तो उसी के खिलाफ आपका एक बड़ा एमपी एमएलए बोलता है और आप उसको चुपचाप सुन लेते हैं, यानी आपकी इसको मूक सहमति है, ये उसका मतलब मैं देखूंगा, ये मूक सहमति के आधार पे ये लोग और ज्यादा शक्तिशाली होकर इस प्रकार की बातों को करते हैं। एक आखिरी सवाल सर जी, राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के समय लगातार आरएसएस के आइडियोलॉजी पे हमला कर रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तब से, ये तो एक विपक्ष की सफलता है कि मोदी साहब को और अमित साहब को आरएसएस बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है कि संविधान और लोकतंत्र में बहस हो उनको सफाई देनी पड़ रही है, ये तो मुझे लगता है कि विपक्षी खासतौर से राहुल गांधी की सफलता है। देखिए मैं आपसे 100% सहमत हूँ, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वो एक नेता है जिन्होंने खुले आम पूरे स्पष्टता से आरएसएस की राजनीति की, आरएसएस की विचारधारा की आलोचना की। आप देख लीजिए विपक्ष में कितने नेता हैं जो आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की विचारधारा और उनकी दूसरी जो भी पिछड़ी हुई विचारधाराओं का के खिलाफ आलोचना करें, बहुत कम लीडर्स हैं, ज्यादातर लोग बीजेपी की बात करेंगे, पर बीजेपी क्या है, बीजेपी तो भारत आरएसएस का एक बच्चा है, आरएसएस का विचारधारा लगाने वाला एक राजनीतिक संगठन है। तो मैं राहुल गांधी की इस मामले में निश्चित रूप से तारीफ करूंगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, उन्होंने आरएसएस की खुली आलोचना करने से कभी नहीं बचे, उन्होंने खुद का स्वार्थ नहीं देखा कि लोग क्या करेंगे क्या नहीं करें, पूरी ईमानदारी के साथ जो सच्चाई है राहुल गांधी उसका बयान कर रहे हैं, और वो बहुत सराहनीय कदम है, और इससे आरएसएस बीजेपी थोड़ी सी बैकफुट पर भी जा रही है। शुक्रिया सर, और मैं समझता हूँ कि चुनाव में हम लोग कम से कम वैचारिकी पे और सिद्धांत की बातों पे हम लोग चर्चा करें, लंबा गैप हो जा रहा है, आप भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं आपको हर दूसरे दिन मैं जरूर फोन करके पूछूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, देश की राजनीति में क्या चल रहा है और वैचारिकी किस ओर जा रहा है। लेकिन ये तो मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने एजेंडा सेट कर दिया है, सोशल जस्टिस को भी लेकर, आरक्षण को भी लेकर, और जो न्याय पत्र है उसमें उन्होंने सेक्युलरिज्म को लेकर एजेंडा सेटिंग की है, बड़ी बात है।
घोषणा पत्र पर भी चर्चा होगी और तमाम अंबेडकर साहब के आइडियाज पर भी चर्चा होगी। चुनाव का समय है, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, भारत में लोकतंत्र की संभावना है, तमाम मसलों पर पुनियानी साहब से चर्चा करेंगे और वीडियोज आप देखते रहेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अंबेडकर। शुक्रिया, धन्यवाद।